अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, बाकी अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बाकी अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। अनुभाग टोंक खुर्द, विषय निर्मल हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी का घर तोड़ने व हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों को आरोपी को बनाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि एक हाथ व एक आंख से दिव्यांग अरुण पिता देवीलाल शर्मा निवासी कुमारिया राव हाल मुकाम ग्राम सालमखेड़ी दिनांक 17/2/2024 की रात लगभग 10 बजे ग्राम सालमखेड़ी में खेत पर बने मकान के बाहर बनी ओसारी में सो रहे थे तथा कुल्हाड़ी से सिर पर लगभग 5-6 वार किए गए उनकी निर्मल हत्या कर दी थी, जिसमें देवास जिले के ब्राह्मण समाज में दोष व्याप्त है। स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो दिन में हत्या के एक आरोपी राजकुमार सेंधव निवासी ग्राम सालमखेड़ी को गिरफ्तार किया है, लेकिन आरोपी के साथ साथ हत्या में शामिल तथा षड्यंत्र रचने वाले अन्य लोगों को पूछताछ कर छोड़ दिया गया, जो कि संदेह के घेरे में आता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि निर्मल हत्या में गिरफ्तार किए गए आरोपी राजकुमार का मकान ध्वस्त किया जाए तथा हत्याकांड की साजिश रचने वाले अन्य आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उनके भी मकान को ध्वस्त किया जाए ताकि ब्राह्मण समाज को न्याय मिल सके, अन्यथा फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम है राजकुमार सेंधव। बाकी आरोपी को पूछताछ कर छोड़ दिया गया। तो हमने सभी ब्राह्मण समाज देवास जिले से निवेदन कराया पुलिस प्रशासन को कि बाकी जो अपराधी है उनको थोड़ी से कड़ी से पूछताछ की जाए और जो अपराधी है उसका मकान ध्वस्त किया जाए, क्योंकि जो पूछताछ करी है इन्होंने वो पूछताछ संगीत के घेरे में आती है, उसमें हमको कहीं ना कहीं शंका पैदा हो रही है। तो सभी ब्राह्मण समाज ने निवेदन कराया पुलिस प्रशासन से कि 8 दिन के अंतर्गत आप ये कार्यवाही आपकी पूर्ण करें। कार्यवाही पूर्ण करने के बाद में अगर आप नहीं करते हैं 8 दिन के अंतर्गत, तो देवास मुख्यालय पे हम सर्व ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम और पद? धर्मेंद्र शर्मा, ब्राह्मण समाज सेवक, सोनकच्छ। धन्यवाद। सालमखेड़ी में अरुण शर्मा ब्राह्मणों की हत्या हुई थी, उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके उसका पता लगा के उस आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश करके जेल भिजवा दिया है। उनकी मांग है कि उसके घर जो भी है उनको तोड़ा जाए, और इसमें अन्य कोई यदि इन्वॉल्व है तो उसकी भी जांच पड़ताल करके उसको भी इसमें शामिल किया जाए। हमने इनकी बात को सुना है, ज्ञापन लिया है, और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। ठीक, धन्यवाद।